व्यूअर्स, आई एम योर मेंटर मोहम्मद तारिक। आज के लेक्चर में मैं आपको यूएसबी पोर्टेबल बनाने का तरीका समझाने जा रहा हूं कि आपने विदाउट एनी सॉफ्टवेयर आप यूएसबी को कैसे बूट कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट विंडो प्लस आर, विंडो प्लस आर से आपका रन कमांड आ जाएगा और इसमें आप टाइप कर दें cmd। तो ये कमांड लाइन ये हम आ गए, ठीक है। सीएमडी में हम क्या करेंगे, यूएसबी को बूट करेंगे। जो कमांड्स मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ आप उसको स्टेप बाय स्टेप सीखे इस वीडियो से। सो फर्स्ट जस्ट राइट diskpart, डिस्क पार्ट, क्लिक ऑन डिस्क पार्ट एंड देन गो टू डिस्क पार्ट बूट, ठीक है। उसके बाद जो आपने सारे जो डिवाइसेज है आपके उसको लिस्ट आपने करना है, लेकिन यहाँ सिर्फ यूएसबी है इसलिए सिर्फ यूएसबी आएगा। list लिस्ट डिस्क, diskpart लिस्ट डिस्क, आपका जो डिस्क है वो आ गया। अब जीरो जो है वो यूएसबी नहीं है और वन जो है वो यूएसबी है, आपने जीरो को सेलेक्ट नहीं करना, ठीक है। और ये जीरो जो है आपका प्राइमरी पार्टीशन है, यानी आपके जो कंप्यूटर के पार्टीशन है वो है, और ये वन जो है आपकी यूएसबी है। आपको मेमोरी से भी अंदाज़ा पता चलता है कि मेरी यूएसबी कितनी है, 8 GB की यूएसबी है, ठीक है। तो इसमें मैं एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है बूट करना चाह रहा हूँ। तो डिस्क पार्ट के बाद जो कमांड है सेलेक्ट डिस्क, कौन सा मैंने सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट डिस्क वन, ओके क्लिक, आपका डिस्क जो है वो सेलेक्ट हो गया। फिर उसके बाद इसको क्या करें, क्लीन कर दें। तो क्लीन करना ज़रूरी है, तो क्लीन कर दिया। अब ये थोड़े से बाद ये आपको बताएगा कि आपका डिस्क जो है वो क्लीन हो गया। देख, डिस्क पार्ट सक्सीडेड इन क्लीनिंग द डिस्क, ओके। देन क्रिएट, इसके बाद लिखे आप पार्टीशंस को क्रिएट करें, create, स्पेलिंग्स की मिस्टेक्स नहीं करना, create partition प्राइमरी, primary, क्रिएट partitions प्राइमरी, तो पार्टीशंस भी क्रिएट हो गया। अब इसको मैंने फॉर्मेट करना है format, जिस तरह के हम यूएसबी को फॉर्मेट करते हैं NTFS और बर्थ और FAT के जो फाइल सिस्टम है उससे हम फॉर्मेट कर रहे हैं। अब FS इज इक्वल टू, ठीक है, NTFS के जरिए और क्या, QUICK, ठीक है। तो अब मैंने इनके जरिए ये फॉर्मेट कर दिया, ठीक है, NTFS न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम्स के जरिए मैंने इसको फॉर्मेट कर दिया, आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद ये 0% कंप्लीट, अब ये कंप्लीट हो जाएगा, इसकी फॉर्मेटिंग जो है आपको एक मैसेज आएगी, ये देखिए डिस्क पार्ट सक्सेसफुली फॉर्मेटेड द वॉल्यूम। फिर उसके बाद आपने इसको क्या करना है, एक्टिव करना है, इसको एक्टिव करना है। एक्टिव करने के बाद आपका जो यूएसबी है वो एक्टिव हो जाएगा और फिर आप असाइन कर दें ऑपरेटिंग सिस्टम, इस पर हम कॉपी करेंगे, आप इसको असाइन कर दें और फिर उसके बाद क्या करें, एग्जिट कर दें। तो आपका प्रोसेस ख़त्म जब हो जाएगा तो उसके बाद आपने एग्जिट ज़रूर करने। अब रिमेंबर, अब मेरे पास ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कंप्यूटर में ISO के फाइल के इमेज में पड़ा हुआ है। अब वो फाइल जो मैंने उठाना है और डायरेक्टली USB में पेस्ट करना है तो आपकी USB जो है वो बूट हो जाएगी। अब मेरे पास एक फाइल पड़ा हुआ है, लेट्स सपोज Windows 8.1 जो है इसको मैं USB में सेंड करना चाह रहा हूँ, लेकिन इसको हम ओपन कैसे करेंगे। सबसे पहले ये तरीका इम्पोर्टेंट है, राइट क्लिक ऑन इमेज एंड देन ओपन विथ विंडोज एक्सप्लोर को आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो आपकी जो इमेज के अंदर जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स के फाइल्स है वो आ जाएगी, इसको कॉपी कर दे या इस तरह कर दे, सेंड कर दे डायरेक्ट। तो सेंड आपकी USB जो है उसमें आप डायरेक्ट सेंड कर दे, तो जैसे ही आपका ये सेंडिंग प्रोसेस ख़त्म हो जाए तो आपकी USB जो है वो बूटेबल बन जाएगी, ठीक है। ये था कमांड लाइन के जरिए जो मैंने आपको समझाया कि आपने कमांड के जरिए USB को कैसे बूट करना है। ये काफ़ी आसान तरीका है और वेरी क्विक आप जो है USB को बूट कर सके, ठीक है। तो अगर आपको इन तरीके से मतलब समझ नहीं आ रही, उसमें और वीडियोस भी बना रहा हूँ, ठीक है, पावर ISO और रिफर्स सॉफ्टवेयर, यानी सॉफ्टवेयर के जरिए भी मैं बूटेबल वीडियोस बनाऊंगा। आप इन वीडियोस को एक दूसरे के साथ शेयर करें एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स।